मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। इलाहाबाद कोराव में जनता से 15 जुलाई को मिर्जापुर जिले के चंदईपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एवं विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नगर पंचायत कोराव कार्यालय में विधायक राजमणि कोल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रैली में भारी संख्या में लोगों से पहुँचने की बात कही। मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता करते हुए विधायक की गांव की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए यह सरकार खड़ा उतरेगी और आज का यह कार्यक्रम इस निमित्त रखा गया। वाराणसी मिर्जामुरा थाना अंतर्गत हाईवे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा वहां पर 8 दिन से शॉर्ट सर्किट होने से जनता को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। बैंक जाने पर लोग कहते हैं कि 8 दिन से बैंक खराब है और कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं। शॉर्ट सर्किट लगा तो भाई तक सरकार बदल गया और सिस्टम हुए चलता पुराना है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पश्चिम बंगाल के रानीगंज शहर में फिनिक्स के सहयोग से स्टार ऑफ बंगाल 2018 शो का आयोजन रानीगंज स्थित आनंद लोक हॉस्पिटल पार्क में किया गया, जहां करीब 30 से 35 युवक युवतियों ने अपना हुनर दिखलाया। शो के गाइड आकाश रॉय ने बताया कि हम स्टेज के द्वारा उन युवक तथा युवतियों को मौका देते हैं जिनके अंदर टैलेंट है। संचालक विश्वजीत चैटर्जी ने बताया कि इस स्टेज के द्वारा हम लोग प्रतिभागियों को टॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने का मौका देते हैं। एक्चुअली हम लोग रानीगंज में है, ठीक है। हम लोग रानीगंज ये वेन्यू हम लोग चूज़ किए हैं ताकि आसनसोल, दुर्गापुर और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग का शो का नाम है स्टार ऑफ बंगाल। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे कंटेस्टेंट खड़े हैं। ये लोग हम लोग फेसर्स है, लेकिन इन लोग में एक करने का कुछ चाह है, इसलिए हम लोग एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दुर्गापुर में और भी बहुत शोज़ वगैरह होते रहते, लेकिन हम लोग स्टार ऑफ बंगाल एक दे रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। हम लोग का बेसिकली जो काम है टॉलीवुड इंडस्ट्री में है। एक्सपीरियंस फोटोग्राफी, जो ग्रूमिंग सेक्शन देगा वो बाहर से आ रहा है ग्रूम करने के लिए, तो हम लोग को ग्रूम कर रहा है, तो ग्रूमिंग हम लोग बाहर से भी लेते हैं, पर यहाँ पे जो ग्रूम कर रहा है वो अलग देता है। माई नेम इज़ पोलुमी हाजरा, आई एम फ्रॉम दुर्गापुर। इलाहाबाद थाना सरायनगर क्षेत्र के धरौली गांव के एक परिवार में सिर्फ महिला व बच्चे थे। महिला ने बताया कि हम अपने खेत में बाजरा बो रहे थे कि राजेंद्र, हनुमान प्रसाद व रूपेश अपने घर की महिलाओं के साथ आए व मारने लगे और कहे कि हम बाजरा नहीं बोने देंगे। पीड़ितों को गंभीर चोटें लगी है। इसकी थाना सरायनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और मेडिकल के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कोटवा बनी में भेजा गया है। मीडिया से बात करते पीड़ित परिवार कन्हई लल्लू और उनके घर की औरतें। अच्छा, किस बात से मारे हैं आपको? हम लोग बोने गए थे, चरी बोने गए, वही नहीं बोने दे, वही नहीं बोने दिए। अच्छा अच्छा, कौन, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? धरौली। थाना कौन सा है? सरायनगर। चलिए ठीक, बस इतनी ही बात भी, मतलब पानी छाया रहे वही जाते ट्रैक्टर चला रहा था, हटाने नहीं हटा वही लौका मार हटावे लगा वही घर मारे लगे। खबरों का सिलसिला अभी और भी है, इंतजार करिए और बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।